हेलो नमस्कार दोस्तों, 16 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक बार नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइड में जो छोटा आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है, ये आया है एक्चुअली नेट न्यूट्रलिटी के बारे में। तो अभी ट्राई का फैसला आया है उसको लेकर नेट न्यूट्रलिटी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो उसकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी शुरुआत है, अब स्टार्टिंग है वो की गेंद के द्वारा। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे पॉइंट आए हैं, दो चार उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है ये एक्चुअली इसमें कुछ तो पॉलिटिक्स की गई है, इसके साथ ही कुछ दो चार पॉइंट रिलेटेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को लेके, कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है उसके क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से अमेंडमेंट वगैरह करना चाहिए और आजकल इसका किस तरीके से मिस यूज है वो किया जा रहा है, तो वो बातें यहाँ पर डिस्कस हैं की गई हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये फिर वापस एजुकेशन को लेके आए और इसमें कुछ नई डायमेंशन यूज़ है वो की गई है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है CSR, उसका किस तरीके से हम हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने में यूज़ है वो कर सकते हैं, तो इसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली नाटो के बारे में आए हैं, तो USA साहब के जो ट्रंप USA में जो ट्रंप साहब हैं उनका अभी ये कहना है कि भाई नाटो के जो मेंबर हैं उनको एक्चुअली अपनी जो डिफेंस के लिए फंडिंग है वो बढ़ानी होगी, क्योंकि USA ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाला है। मतलब आपको पता है कि जब ट्रंप जैसे आपकी अपनी जो मैकेनिज्म चलाते हैं, या आप बोल सकते हो कि जैसी उनकी पॉलिसी होती है उसी को प्रमोट कर रहे हैं और एक तरीके से बेतुके उनके द्वारा लगातार स्टेटमेंट वगैरह दिए जा रहे हैं, तो उन बातों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो उसमें कुछ दो चार पॉइंट कुछ काम के तो खैर नहीं है, एक बार आपको बता देता हूं कि कैसा कैसा अभी क्या चल रहा है। तो वो ट्रंप के द्वारा अभी रिसेंटली ये कहा गया है कि जो नाटो के जो मेंबर हैं जिसमें मेनली यूरोप की कंट्रीज हैं और इसी के साथ ही नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं वो उसके मेंबर है बेसिकली। तो अभी इश्यू क्या है, बना क्यों था नाटो, पहले तो ये पता होना चाहिए। नाटो बना था बेसिकली जो कोल्ड वार चल रहा था USA और रशिया का, उस दौरान नाटो को बनाया गया था ताकि रशिया को, या आप बोल सकते हो कि उसको USSR को काउंटर है वो किया जाए, इसके लिए USA ने बनाया था, ये हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। अब बात देखो ऐसी है कि जब USSR जब डिसइंडिकेट हो गया था 1990 के टाइम पे, तो उस टाइम पे नाटो को एक्चुअली ख़त्म कर देना चाहिए था, बट नाटो को उस टाइम पे ख़त्म नहीं किया गया क्योंकि नाटो का जो मेन मोटो था वो तो एक्चुअली USSR को काउंटर करना था, तो वो तो उनका काम पूरा हो गया था, बट फिर भी उन्होंने इसको खत्म नहीं किया। और अभी क्या हो रहा है कि नाटो में जो मैक्सिमम फंडिंग होती है वो दी जाती है USA के द्वारा, तो उस चीज़ को लेके भी USA ने कहा कि भाई जो डिफेंस के लिए फंडिंग है वो बाकी कंट्रीज जैसे UK वगैरह हुई या फिर जर्मनी और कंट्रीज हैं उनको अपनी फंडिंग बढ़ानी होगी, तो वो सारा मामला वहाँ पे उठ रहा था। इसके साथ ही ट्रंप हैं वो भी आपको पता है कि अमेरिका फर्स्ट जैसी पॉलिसी है उसको लेके चल रहे हैं, तो उसे भी कहीं ना कहीं बाकी और कंट्रीज़ को दिक्कत है वो आ रही है। इसके साथ ही यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके भी आजकल रिलेशन है USA के साथ बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि USA आजकल सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बातों को तवज्जो दे रहे हैं, ट्रेड वॉर उन्होंने छेड़ दिया है। इसके साथ ही और जो कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया ले लो, जापान ले लो, या फिर और भी बाकी कंट्रीज़ हैं उनको भी वो सपोर्ट है वो नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने को लेके इश्यूज़ हैं वो चल रहे हैं। तो कुल मिला के बात की जा रही है कि देखो USA के द्वारा भी जो एक्शन लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं USA के हित में नहीं है, तो उन सब बातों को यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो मैंने था आपको पॉइंट्स वो मैंने यहाँ पे बता दिए। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है पूरा, जयललिता के बारे में कि भाई उन्होंने किस तरीके से सरप्राइज वगैरह दिया, तो कुछ काम करनी है हमारे लिए, कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पूरी और पूरी राजनीति डिस्कस की गई है और आपको पता है कि UPSC एग्जाम में कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं पूछती है। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये हर मंडे को प्रकाशित होता है कि द हिंदू ने कौन से आर्टिकल में किस किस बात को दी, जो एडिटर वगैरह हैं उनके यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं, तो ये भी कुछ काम का नहीं है। फिर नीचे जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बेसिकली यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया है और मतलब जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, BJP कांग्रेस वो सब यहाँ पे खेलेगी है। इस आर्टिकल में बेसिकली ये कहा गया है कि भाई इंडिया है वो भी पाकिस्तान बनते जा रहा है, मतलब हिंदू लोग है जो यहाँ पे अपनी आप बोल सकते हो किस तरीके से वायलेंस वगैरह बढ़ रहा है, वो सारी कम्युनिज्म जैसी बात इस आर्टिकल में बेसिकली पॉइंट्स हैं वो डिस्क किए हैं। तो एग्जाम में ऐसे पॉइंट हमारे लिए कुछ काम के नहीं है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं डेमोक्रेसी के, वही हालात धीरे धीरे इंडिया में होने वाले हैं, उन सब बातें वो यहाँ पे बताया गया है कि भाई BJP आ गए, उन्होंने ऐसे किया, कांग्रेस ने ऐसे किया, तो वो कुछ भी काम का हमारे लिए यहाँ पे नहीं बनता है, तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें। ये जो आर्टिकल है ये भी इंडिया के लिए कुछ काम का नहीं है, हमारे लिए बेसिकली UPSC के लिए कुछ काम का नहीं है, तो इसे भी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस है वो कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात यहाँ पे करते हैं। देखो अभी आपको बताया कि हमारे देश की गवर्नमेंट है उसने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, बेसिकली ये HRD मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू है वो किया गया था। तो क्या था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है, बट एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का देखो दिल का मतलब ये है कि हमारे देश की हायर एजुकेशन को गवर्नमेंट से प्रमोट करना चाहती है या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 20 इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तौर पर, और उन 20 इंस्टीट्यूट में 10 तो होंगे प्राइवेट और 10 होंगे उसमें गवर्नमेंट। तो इन 10
प्राइवेट और 10 गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट होंगे ना, इनके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको फंडिंग देगी 5 साल के लिए 1000-1000 करोड़ के आसपास पैसा देगी कि भाई आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी, मतलब आप अपनी फैसिलिटी, आप जो भी सुविधा वगैरह हैं वो इंटरनेशनल माहौल के अकॉर्डिंग तैयार कर लो, ताकि इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इंडिया के साथ मिलकर काम करें, और जिससे इंडिया की वैल्यू भी बढ़े और इंडिया की जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी आगे बढ़े। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया है। तो अभी आपको पता है कि 6 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया गया है रिसेंटली, 20 को सिलेक्ट करना है, बट अभी 6 ही किए गए हैं, 3 प्राइवेट हैं 3 गवर्नमेंट है। तो उसको लेके भी काफ़ी खिंचातानी चल रही है पॉलिटिक्स के तौर पे कि भाई जियो इंस्टीट्यूट का इशू चल रहा है कि जियो इंस्टीट्यूट को तो अभी बनाया भी नहीं गया, बट उसके बाद फिर भी उसको शामिल किया गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति इसमें साफ साफ खेल रही है। तो देखो कुछ हद तक वो बातें सही भी हैं, बट वो हमारे लिए यहाँ पे फिलहाल काम के नहीं है। आर्टिकल में जो फोकस किया गया है उसे हम देखते हैं। आर्टिकल में डिस्कस की गई एक नई डायमेंशन एजुकेशन के लिए, वो डायमेंशन ये है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहले बात यह आती है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, कहीं भी कोई कंपनी लग रही है, जैसे ये मान लो कि ये कोई एरिया है, ये मान लो कि ये दिल्ली है, इस एरिया के अंदर कोई कंपनी लग रही है, मान लो यहाँ पे कोई कंपनी लगी, अब ऑब्वियसली ये कंपनी यहाँ पे लग रही है तो ये यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करेगी, और रिसोर्सेज को यूज़ करेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो यहाँ के एरिया को नुकसान पहुँचेगी, चाहे आप इन्वायरमेंट को मान लो, चाहे ट्रांसपोर्ट, कुछ ना कुछ तो इस एरिया में थोड़ा बहुत तो नुकसान होने वाला है, चाहे वो नुकसान कम ही हो, बट कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो इस कंपनी की एक जिम्मेदारी बन जाती है ना, नैतिक तरीके से आप बोलो तो एथिकल, कि यार इस एरिया में कुछ ना कुछ, देखो हम यहाँ के रिसोर्सेज का भी यूटिलाइज कर रहे हैं, हमें थोड़ी प्रायोरिटी दी जा रही है, तो क्यों ना हम यहाँ के एरिया के लिए थोड़ा डेवलपमेंट करें। देखो कंपनी है तो पैसे तो कमाएगी, तो उस जो पैसा कमा रही है उसका कुछ हिस्सा अगर ये कंपनी इस आसपास के एरिया में अगर डेवलपमेंट के लिए लगा दे, यहाँ पे चाहे किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो, चाहे रोड बना दे, चाहे वो एजुकेशन के लिए फंडिंग दे दे, या फिर हॉस्पिटल वगैरह बना दे, कुछ भी कोई भी काम करे, मतलब सोसाइटी के भले के लिए अगर वो फंडिंग दे, तो वो होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये एक्चुअली हमारे देश का जो कंपनीज एक्ट 2013 ना, इसमें डिफाइन किया गया है कि भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्चुअली कंपनीज को देनी होती है, और वो उनकी जो लास्ट 3 साल की जो इनकम होती है टोटल, आप बोल सकते हो कि उनका टोटल जो रिवेन्यू होता है उसके बेसिस पे उनको काउंट है वो किया जाता है। तो वो सब अभी यहाँ पे नहीं देख, हमें यहाँ पे ये देखना है कि उसका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका हम किस तरीके से यूज़ है वो कर सकते हैं हमारे देश की हायर एजुकेशन को प्रमोट करने में। तो देखो आपको बताइए कंपनीज एक्ट जो है 2013, ये बेसिकली आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और जो CSR आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इंप्लीमेंट या इसको जो भी चेंजेस वगैरह करने हैं वो कह जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा। तो बात ये की जा रही है कि देखो जो कॉर्पोरेट अफेयर जो मिनिस्ट्री है, इसके बाद जो पैसा आता है या भी जो ये पैसा आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, इस पैसे का हायर एजुकेशन में यूज किया जाए। देखो आजकल होता क्या है कि कंपनियां पैसा तो देती हैं, ऐसा नहीं कि कंपनियां पैसा नहीं दे रही हैं इसको, बट उस पैसे का क्या है वो ढंग से यूज़ नहीं कर रही हैं। बेसिकली क्या है, कंपनियां फर्स्ट फॉर्मेलिटी कर रही हैं, कंपनियां जिम्मेदारी से भाग रही हैं। अब देखो आप एक चीज़ एग्जाम्पल से समझना, जैसे कि मान लो ये कंपनी यहाँ पे लगी, कोई भी एक कंपनी यहाँ पे लगी दिल्ली के अंदर इस एरिया में कहीं भी, अगर ये कंपनी इस वाले एरिया में डेवलपमेंट करेगी, ये मान लो इसको डेवलपमेंट करना है, तो इसको क्या होगा, एक तो लेबर वगैरह भी लगानी होगी, इसके साथ इसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या माइंड मैप सब कुछ क्रिएट करना होगा कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, इस तरीके इसका मेंटेनेंस सारा काम इसको बेसिकली करना पड़ेगा। तो कंपनियां क्या करती हैं, डायरेक्टली जो पैसा होता है ना कि भाई 2-3% जो पैसा देना होता है वो पैसा डायरेक्टली सरकार को दे देती हैं कि चल ठीक है सरकार को दे देते हैं, हमारा काम खत्म, सरकार इस पैसे का जो भी यूज़ करे वो उसकी मर्जी, हमें कुछ नहीं पता। मतलब सरकार कंपनियां क्या कर रही हैं, CSR का जो पैसा है वो फंड में दे देती हैं। कौन से फंड में, वो बेसिकली जाता है यहाँ पे वो हमें पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, तो इस फंड में जो पैसा चला जाता है और उस पैसे का क्या है ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। देखो गवर्नमेंट तो आपको पता है कि गवर्नमेंट तरीके से काम करती है तो उसमें कहने की कमियां रह जाती हैं, और प्राइवेट सेक्टर का आपको पता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, इस पैसे को तो दे रहा है बट ढंग से यूज नहीं कर रहा है। जिस तरीके से आपको पता है कि कैंपा के अंदर पैसा तो आता है फंड में बट उस फंड का अभी तक यूज नहीं किया जा रहा, तो सेम वही हालात यहाँ पे हो रहा है कि CSR का जो पैसा है ना उसको एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है बट उसको नहीं किया जा रहा है फिलहाल, वो बात यहाँ पे बेसिकली बताई गई है। अब आपको पता है कि हायर एजुकेशन देखो आज के टाइम पे काफ़ी अहम हो जाती है किसी भी कंट्री के लिए, और स्पेशली इंडिया काफ़ी प्रमोट कर रही है इसको, इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप भी उठा रही हैं। तो बात ये की जा रही है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैसा है, मतलब CSR का जो पैसा है, उस पैसे को हायर एजुकेशन में अगर कंपनियां इन्वेस्ट करें तो बहुत बेनिफिट होगा, और इस सेक्टर में पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, इसका फ़ायदा कंपनियों को भी होगा। अगर देखो कंपनियां जो CSR का पैसा है वो हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका फायदा एक तो ये होगा कि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी, अगर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी तो प्लेसमेंट के टाइम उन कंपनी को भी अच्छे वर्कर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी तो फायदा ही हो रहा है ना। तो मतलब बात यहाँ पे की जा रही है कि CSR का अगर पैसा हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे स्कोप हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है। फिर थोड़ा डाटा दिया गया है देखो यहाँ पे कि
5093 कंपनियों के बारे में बताया गया है कि 2000 इस साल के बजट की बात बताई गई है 2017-18 की बेसिकली कि 5097 कंपनियां थी उसमें से केवल 3018 कंपनी है उन्होंने ही फंडिंग है वो दिया CSR के थ्रू, बाकी ने कुछ काम वाम कुछ नहीं किया। तो मतलब कहने की कंपनियां थोड़ी न्यूट्रल दिख रही हैं कि यार कोई काम वाम नहीं करें। तो राइटर के द्वारा बेसिकली ये बताया जा रहा है कि देखो 2014-15 के टाइम पे जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड था उसमें 74% पैसा दिया गया था CSR के थ्रू। अगर वही पैसा अगर हायर एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, इसके साथ ही हायर एजुकेशन की क्वालिटी भी बढ़ेगी। राइटर बता रहे हैं कि जो पैसा है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किया जा सकता है, स्कॉलरशिप के तौर पर यूज किया जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है, इसके साथ ही और भी कोई तरह की जो फैसिलिटी वगैरह चलानी है स्कूल में जैसे कि फ्री ट्रांसपोर्ट वगैरह हो कॉलेज वगैरह में वो प्रोवाइड करवाया जा सकता है एरिया के, और जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन वगैरह दी जा सकती है यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी, तो इस तरह के बेनिफिट यहाँ पे हो सकते हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो काफी जो कंपनीज हैं टाटा है और भी जो कंपनीज हैं जैसे कि आप इन्फोसिस वगैरह ले सकते हो वो काफी सारा पैसा है काफी सारी चैरिटी देती हैं एजुकेशन के लिए, उस पैसे को हमें सही ढंग से यूज करना चाहिए। और अगर उस पैसे को हम एजुकेशन पे या हायर एजुकेशन के लिए यूज करें जो तो हमें इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और इंडिया की इकोनॉमी पे भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है वो पड़ने वाला है। तो वो सब बातें यहाँ पे डिस्कस हैं वो की गई हैं। इसके साथ ही लास्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जो हायर एजुकेशन का मुद्दा है वो आता है हमारा HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर में। मतलब ये है कि दोनों मिनिस्ट्री अगर एक साथ कोलैबोरेट होकर काम करेंगी तो काफ़ी अच्छा स्कोप इस सेक्टर में है और हमारे देश में जो हायर एजुकेशन के जो इश्यू चल रहा है इसको भी हम सोल्व है वो कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेट न्यूट्रलिटी के बारे में, तो इसे हम देख लेते हैं। नेट न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो होती क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो देखो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये मान लो कि आपने कोई भी कंपनी आपके किसी भी कंपनी का आपके पास सिम कार्ड है, मान लो एयरटेल वोडाफोन कुछ भी ले लो, ये मान लो कि ए कंपनी है इसका सिम कार्ड आपके पास है। अब आपने क्या किया, एक कंपनी आपके ऊपर लिमिट लगा देती है कि भाई आपको 1 GB इंटरनेट मिलेगा, इसमें से आप 200 MB इंटरनेट है वो तो आप व्हाट्सएप पे यूज़ कर सकते हो, 200 MB वो फेसबुक पे यूज़ कर सकते हो, 200 MB इस पे, 100 MB ऐसे तरीके से आपको लिमिट कर दे कि आपको ऐसे ऐसे यूज़ करना है। तो वो क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल चीज़ नहीं हुई ना, कि आपको नेट तो दे दिया बट उसके बाद आपका उसका ढंग से यूज़ हो नहीं कर पा रहे हो, आपने रिचार्ज करवा लिया इंटरनेट का बट फिर भी आपके ऊपर लिमिट लग गई कि आप ऐसे ऐसे नेट का यूज़ है वो कर सकते हो। या फिर आपको कंपनी ऐसे कह दे कि भैया आपको व्हाट्सएप के लिए 20 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा महीने का, फेसबुक के लिए आपको 50 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा, इसके लिए ऐसे अलग अलग रिचार्ज। मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं पार्शलिटी कर रहे हैं। कंपनी पार्शलिटी किस तरीके से कर रही हैं कि भाई वो उनका जिस कंपनी के साथ गांठ जोड़ बन गई है उसके तो इंटरनेट है वो फ्री प्रोवाइड करवा रही हैं, सस्ता दे रही हैं, बाकी के लिए महंगा दे रही हैं, कुछ इस तरीके के कारनामे हो रहे हैं। तो आपको पता है कि ऐसा ही मुद्दा 2-3 साल पहले हुआ था कि व्हाट्सएप के लिए अलग से रिचार्ज आया था कुछ कंपनियों के द्वारा, फिर आया था कि भाई जो हाइक वगैरह है मतलब अलग अलग फेसबुक के लिए फ्री रिचार्ज आया था एयरटेल की तरफ से, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोग्राम आए थे। तो उस दौरान नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट सामने आया था कि भाई जो नेट है वो न्यूट्रल होना चाहिए सबके लिए, मतलब इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए ऐसा कि इतना नेट कहाँ यूज करना है इतना कहाँ है, बस कंपनी का काम क्या है इंटरनेट देना। कंपनी का काम यह है कि भाई कंपनी ने 1 GB इंटरनेट दे दिया, इसके बाद कस्टमर की मर्जी है कि वो उस इंटरनेट को कहीं भी यूज करे, उसकी मर्जी है वो मूवी देखे, उसकी मर्जी है वो व्हाट्सएप चलाए, उसकी मर्जी है वो फेसबुक देखे, कुछ भी करे वो उसकी मर्जी डिपेंड करती है, ना कि कंपनी इसमें कोई लिमिट नहीं लगाएगी कि भैया आप अगर फेसबुक यूज करोगे तो आपको 2G की स्पीड मिलेगी, आप यूट्यूब यूज करोगे तो आपको 5G की स्पीड मिलेगी, आपको ये करोगे तो ऐसे। मतलब कंपनी की तरफ से नेट न्यूट्रल होना चाहिए और उसी चीज़ को यहाँ पे क्या गया नेट न्यूट्रलिटी। तो ये मुद्दा गया था ट्राई के पास और फिर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सारे इश्यूज इसके सामने आए थे, उसके बाद सॉल्यूशन ये हुआ ट्राई ने ये कहा कि भाई देखो नेट है वो सबके लिए न्यूट्रल रहेगा। और अभी इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है एयरटेल वोडाफोन और भी जो कंपनीज हैं इनके द्वारा एक्चुअली नेट न्यूट्रलिटी को भी अभी सपोर्ट है वो किया जाना शुरू है वो कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखो नेट न्यूट्रल का बेनिफिट ये हो जाएगा, एक तो काफ़ी अच्छा फोकस रहेगा कि हमारे देश में जो भी कंज्यूमर हैं वो अपने ढंग से ये चीज़ों को यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि कंपनियां बायस्ड हो जाएंगी। जैसे ये मान लो आप एग्जांपल ले लेते हैं कि एयरटेल कंपनी है उसने स्टार्टिंग में प्रोग्राम निकाला था कि भाई फेसबुक को वो फ्री चलेगा, मतलब क्या हुआ कि फेसबुक कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत पैसा दे रही होगी ना ओबियसली एयरटेल को कि यार चलो ठीक है हम आपको पैसा दे देते हैं आप फेसबुक चलाइए, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मतलब एयरटेल है वो नेट के मामले में उसको प्रमोट कर रहा है, तो ऐसे कहीं ना कहीं वो बायस्ड हो गया ना फेसबुक के प्रति। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट आया था कि भेदभाव न हो, मार्केट में कंपटीशन आना चाहिए, कोई भी हस्तक्षेप लिमिट वगैरह नहीं लगानी है किसी भी इस मामले में, तो उस चीज को कहा गया है यहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी। तो ट्राई जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है टेलीकॉम सेक्टर के लिए उसने भी अनुमति आप बोल सकते हो कि इस झंडे को अप्रूवल दे दिया है कि हाँ भाई नेट न्यूट्रल होना चाहिए, ये बात यहाँ पे है। अब देखो कुछ इश्यूज भी हैं,
जो कंपनीज हैं, उन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनका ये कहना है कि भाई इससे में लॉस हो रहा है, उनका क्या तर्क है वो देखते हैं। उनका ये कहना है कि देखो, एक तो आज के टाइम पे जो स्पेक्ट्रम वगैरह हैं वो काफ़ी महंगे उनको मिलते हैं। जब गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है तो जो कंपनी होती है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जो और भी कंपनीज हैं, उनको स्पेक्ट्रम लेना होता है और वो स्पेक्ट्रम उनको काफ़ी महंगा मिलता है। तो उनके द्वारा कहा जाता है कि देखो, हमें जो रिटर्न होना चाहिए, जो प्रॉफिट होना चाहिए, वो बहुत कम हो रहा है। मतलब जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है और हम घाटे में जा रही हैं, इसलिए कोई ना कोई एक्शन सा वो लेना होगा। तो राइटर कह रहे हैं कि देखो, इसका जो काम है वो ट्राई करो, कोई भी और तरह के एक्शन लेना चाहिए, बट नेट न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे देश में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि किसी जो कंपनी है, एयरटेल वोडाफोन जैसी है, ये किसी भी कंपनी वगैरह के प्रति बायस नहीं होंगी। इसी के साथ ही गुड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन है ये, तो इसके आप यहाँ पे शुरुआत वो आप बोल सकते हो कि इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है, इसका स्वागत है वो किया गया है। इसके साथ ही राइटर कह रहे हैं कि देखो, इंटरनेट पे फोकस किया गया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज का टाइम आपको पता है कि रिवोल्यूशनरी टाइम है, और आज के टाइम पे हमारे देश के लिए हमारे सभी के लिए इंटरनेट बहुत अहम हो जाता है। चाहे आप देखो डिजिटल इंडिया के लिए देख लो, गवर्नमेंट ये प्रमोट कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंटरनेट एक अहम आज के टाइम पे पार्ट हो गया है। इसके साथ ही हम आईटी सेक्टर को प्रमोट करना है, और भी सारे बेनिफिट हम इसके काफ़ी सारे होते हैं। तो नेट न्यूट्रलिटी की यहाँ पे ऑल ओवर शुरुआत है, जिससे आप बोल सकते हो स्वागत है वो किया गया राइटर के द्वारा। तो वो सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हैं, वो किए गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो आया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है उसकी बात की गई है, इसके साथ ही राजनीति की। तो देखो यहाँ पे एक लाइन आप उसको एक कोट है, जिसका आप कहीं भी एसे राइटिंग में यूज़ है या फिर आंसर राइटिंग में भी इसका यूज़ है वो कर सकते हो, जो कि चर्चिल के द्वारा बेसिकली लिखा गया है। तो कोट ये है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, मतलब जो लोग जीतते हैं ना, हिस्ट्री उनके द्वारा ही लिखी जाती है। भाई जो लोग हार गए वो तो क्या हिस्ट्री लिखेंगे, उनको तो कुछ कोई लिखने ही नहीं देगा। तो उस चीज़ को, इस कोट को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, एसे पॉइंट के तौर पर भी या फिर और भी कहीं आंसर राइटिंग वगैरह में। तो वह बात देखो, राइटर अब यहाँ पे थोड़ा ढंग से समझना है इस आर्टिकल को, काफ़ी अच्छे से दो चार पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो पॉलिटिक्स है, बीजेपी कांग्रेस, तो वो तो हम रहने देते हैं। देखो जैसे कि बेसिकली बात ये की जा रही है कि कोई भी ये मान लो पार्टी जीतती है तो ऑब्वियसली पावर उसके हाथ में आ जाती है। हम इसको हमारे देश के नज़रिए से डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। बट ध्यान रखना है, एग्जाम में हमें न्यूट्रल होके ही अप्रोच, आंसर राइटिंग है या जो भी क्वेश्चंस वगैरह के ऑप्शन हैं वो हमें न्यूट्रल होके ही करना है, वहाँ पे कांग्रेस बीजेपी ऐसा कुछ भी यूज़ है नहीं करना है। तो जो भी अगर पार्टी जीतती है तो ऑब्वियसली पावर उसके पास होती है, बहुमत उसके पास होता है, मेजोरिटी होती है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वगैरह वो कर सकती है। अब देखो उसकी मर्जी है वो किस तरीके का अमेंडमेंट करे, खैर गलत या सही की बात यहाँ पे फिलहाल नहीं है, मतलब वो चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है, वो चाहे तो नहीं कर सकती है। तो देखो बेसिकली अगर हम मान के चले तो अमेंडमेंट किया जाएगा तो अच्छे काम के लिए किया जाएगा, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐसी है जो आज के टाइम पर रिलेवेंट नहीं है, जिस तरीके से बात की जा रही है, आर्टिकल 377 की बात कर लो, 497 की बात यहाँ पे कर लो, एडल्ट्री वगैरह की, वो बातें यहाँ पे की गई हैं कि देखो आज के टाइम पे देखा जाए तो गवर्नमेंट है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया है और भी बहुत सारे काम किए, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वगैरह की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके पास एक अच्छा मौका होता है कि वो सही डिसीजन को, मतलब सही जो वैल्यूज हैं उनको एक्चुअली यहाँ पे इंप्लीमेंट करें और उनके लिए संशोधन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी करे, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट राइटर ये कह रहे हैं देखो आज के टाइम पे इसका मिसयूज होता है, कई बार क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां ना वो अपने फायदे के लिए काम करती हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी पॉपुलरिटी के लिए या अपने फायदे के लिए क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती हैं, अपनी पावर दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास पावर हो और हम इसका मिसयूज करते हैं, वो तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो राइटर के द्वारा बेसिकली बताया जा रहा है कि देखो हिस्ट्री है वो विक्टर्स के द्वारा लिखी जाती है, बट वो सही डायमेंशन में होनी चाहिए, जो हिस्ट्री लिख रहे हैं विजेता उनको देखना चाहिए कि भाई सोसाइटी को इससे कितना फायदा हो रहा है, अगर सोसाइटी को उससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, वो चीज़ सही है तो उसको एक तरीके से लिखना चाहिए, अदरवाइज गलत चीज़ है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे जाके वो सोसाइटी के लिए एक दाग है, धब्बा है, वो बन जाती है और वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है वो नहीं है। तो राइटर कह रहे हैं कि देखो अगर कोई भी अच्छा काम करना है तो संशोधन करना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर आपकी नीयत बुरी है उसके अकॉर्डिंग आप संशोधन कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको और आगे चल के आपके लिए एक समस्या है, दुविधा है, वो बन जाएगी। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे हैं, बाकी बीजेपी कांग्रेस है वो हमारे लिए कुछ काम का यहाँ पे नहीं है। तो ये तो थी आज की हमारी एडिटोरियल डिस्कशन। इसके साथ ही देखो आजकल के कुछ एडिटोरियल काम के नहीं आते कई बार, तो हम ये कर सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल हैं उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको कैसा लग रहा है कि हम इंडियन एक्सप्रेस के कुछ एडिटोरियल हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, तो इसके बारे में आप अपना जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशल एजेंसी हैं, यूएन की जो ऑर्गन वगैरह हैं, उन सब के बारे में आपको कंप्लीट जो लेक्चर वगैरह हैं, पॉलिटी के कंप्लीट लेक्चर हैं, वो आपको अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे मेरे ही द्वारा लेक्चर हैं वो क्रिएट किए गए हैं, तो वो लगभग 50-60 के आसपास लेक्चर हैं। आंसर राइटिंग के भी वहाँ पे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही इन्वायरमेंट की कंप्लीट बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ भी आप वहाँ पे डिस्कस हैं की गई हैं, हिंदी में ही है और उनकी
पीडीएफ आपको फेसबुक का जो पेज है वेलकम यूपीएससी वहाँ से मिल जाएंगी, या फिर आपको मैं अलग से ही लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लिंक आप कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।